नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सभी क्लास। तो आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में बहुपद, बहुपद नहीं, बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अध्याय पर एक व्यंगम दृष्टि, ठीक है। ध्यान से देख सकते हैं, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही चला होगा, चल चुका होगा। साइन थीटा लंब बटेकर, कॉस थीटा आधार बटेकर, लेकिन थीटा आपका ए वाला होना चाहिए। अगर इसने ए मान रखा है तो ए यहाँ होना चाहिए, ठीक है। साइन ए जैसे यहाँ पे भी दे रखा है तो स्पेशल, अगर थीटा बदल जाए तो लंब बटेकर होता है, ठीक है। अगर एंगल बदल जाता है तो लंब और कड़, लंब और आधार बदल जाता है, कड़ तो हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए बात इधर उधर नहीं करते हैं, प्रश्न पहले लगाते हैं। प्रश्न पहले, दूसरा, तीसरा, ज्यादातर प्रश्न 2020 2020 2020 20 में ही पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर काफी ज्यादातर क्वेश्चन पेपर देख लो, 2020 2020 2020 जितने भी मोस्टली इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 2020 वाले, मतलब प्रीवियस ईयर के। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ 2019 वाले भी हैं, तो यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे कि आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी बेस पे आ सकते हैं। डेट तो यही है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसी बेस पे आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4 तो कॉट थीटा का मान होगा। जैसा कि आपको स्कूल में एक फॉर्मूला याद कराया गया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अलग अलग प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ये होता है साइन कॉस, ठीक है, टेन, ये कॉसेक, ये सेक, ये कॉट होता है। तो यहाँ पे कॉसेक दिया गया है, कॉसेक मतलब एच बाई पी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर बना लेता हूँ दूसरे में अच्छे तरीके से एक ट्राइंगल, ठीक है, वो राइट ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है आपका, ठीक है। इस प्रकार से बना लेता हूँ, यहाँ पे ये बनाना जरूरी है, ठीक है। नीला पेन का इस्तेमाल करता हूँ, कॉसेक दिया हुआ है, सी ओ एस ई, ठीक है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा, थीटा इक्वल टू 5/4। तो कॉसेक थीटा होता है आपका एच बाई पी, एच बाई पी। तो आपका हमेशा अगर थीटा हमेशा हर बार आपको यही मान लेना, नॉर्मली नीचे वाला ही मानते हैं हर बार। तो हाइपोटेनस जो कड़ होता है, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही होगा, हिंदी मीडियम वालों, एच को हाइपोटेनस, वो कड़ होता है आपका। तो एच ये है, ये आपका 5 हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर जो ये वाला होगा एंगल के सामने वाला, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और बेस, बेस बताना भी यहाँ पे आपका बेस कितना होगा। और फिर हम कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बता सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर, अगर आपको ये याद होगा तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, तो बी बटे पी, बी बटे पी हम कर सकते हैं। तो बेस आपको होना चाहिए, बेस निकालने हमको पता है, बेस निकालने के लिए अगर बेस निकालते हैं तो रूट में आपका एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होता है। तो आपका एच कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 4 का स्क्वायर। तो आपका 5 बचे 25 हो जाएगा, 4 चूके 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 16 में से 25, 16 9 25, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, और 9 होता है क्या आपका 3, 3 बाहर आ जाएगा, तो b बराबर 3 आपका बाहर आ जाता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब आपको क्या बताऊं, cot थीटा, अब देखो इसमें आपको स्टेप पे नंबर नहीं मिलने, फुल आपको 4 ऑप्शन में एक चूज करना है। अब b बाई पी, पी बाई बी करके लगा, अगर आप a b c करके लगाए कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में चूज करना है। तो फटाक इस प्रकार से भी चूज कर सकते हैं, या तो आप यहीं से भी घटा ले, 5 5 25 4 4 16 16 9 25, तो ये 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो cot थीटा बराबर b बाई पी बताना है, तो b कितना है यहाँ पे 3, और p कितना है यहाँ पे, p हो जाएगा आपका 4, तो 3/4 ऑप्शन में, देखो 3/4 है कहीं पे, तो 3/4, 4/3, देखो देख रहे हो दो ऑप्शन है। तो यहीं पे कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं, सीबीएसई 2020 में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, भूमि के एक बिंदु सी से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के, ठीक है, पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर दूरी पर है एक पाद बिंदु सी, सी पॉइंट, मीनार ए बी, मीनार ए बी शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो उन्नयन ऊपर की तरफ कोण 30 है, तो मीनार क्यों चाहिए आपको ए बी बताना है। अब यहाँ पे कोण दे दिया गया है, तो आपको ये देखो जिसमें आपको ऐसा आपको साइन कॉस थीटा में इस्तेमाल करना है जिसमें से आपका आधार और आपका परपेंडिकुलर आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बताना चाहूँ तो इस वाले बताना चाहूंगा, दूसरे वाले पेज पे, ठीक है, इधर इस वाले में से, ठीक है, तो इसी पे बता देते हैं जब बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस, ये बेस है, ये पी, तो जिसपे आपका आधार होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए,
चाहे बी बाई पी हो चाहे पी बाई बी हो, ठीक है। अगर मैं आपको साइन कॉस थीटा वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला दिखाऊं तो पंडित बद्री प्रसाद वाला ये रहा आपका, तो टेन टेन में बी और पी दोनों मिल जाएगा, टेन में बी और पी दोनों मिल जाएगा, एंगल तो यहीं पे है, याद रखना एंगल ये माना, इस वजह से बेस ये, अगर एंगल यहां होता तो बेस ये मान लेता मैं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आगे आता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली एंगल यही मिलेगा आपको। चलिए तो आगे लगाते हैं आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लगा सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, पी बाई बी में देखो ए बी सी नहीं लिख रहा है, ए बी सी लिखेंगे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप चार ऑप्शन में चूज करना है तो टेन थीटा, तो टेन कितना था आपका, टेन 30 डिग्री, ठीक है। पी कितना है, पी नहीं दिया गया तो पी का पी मान लें तो बी 60 है, पी का पी मान लेता हूं, ठीक है। और बी कितना है, वो 60 दिया गया है। और टेन 30 कितना होता है, टेन 30 वन रूट थ्री इक्वल टू पी बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहीं ले आ जाते हैं, तो पी का पी वहीं रख देते हैं, 60 रूट में 3 बराबर में पी। कोई भी चीज रूट में नहीं होती, आपने तो पहले भी सीखा होगा, रूट में हटाने के लिए परमेयकरण करते हैं, 60 रूट में 3, तो यहां पे भी रूट में 3 और यहां पे भी रूट में 3 से गुणा होगा, पी के यहाँ पे आ ही रहा है, तो पी मैं पहले लिख लेता हूँ, पी बराबर तो 60 रूट में 3, रूट एक जैसे हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, 3 से काट एक 3 कम 3, 3 दुना 6, तो पी बराबर 20 रूट में 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 रूट में 3, 20 रूट में 3 ये आंसर है। देखो यहाँ मीटर भी है, ध्यान रखना, तो मेरा कई बार मीटर मैं भूल जाता हूँ हर बार, तो यहाँ पे मीटर लगा देना, ठीक है, 20 रूट में 3 मीटर, तो आपका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कॉस स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखने के लिए अगर मैं कॉस 45 कितना होता है, वन रूट टू। अच्छा ये जो आपका जो चैप्टर पढ़ रहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, और ज्यादातर इसमें इंग्लिश ही है, रूट टू। वैसे हिंदी में रूट को क्या बोलते हैं, कर्ण ही बोलते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस का प्लस लगाते हैं, कॉट 45 एक होता है, एक का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं तो एक का एक हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर दो का दो आ जाएगा, प्लस में एक आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो एक कम दो एक तीन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। दो एक कम दो मल्टीप्लाई, फिर इसको जोड़ देंगे, दो एक कम दो एक तीन, 3/2, ये तो एलसीएम तो आता ही होगा, 3/2 इसका तो आंसर है कि नहीं, तो अच्छा 2/3 नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है, ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 2020 में लगातार पूछा गया 2020 में, तो ये काफी इजी सवाल है, ये भी मुश्किल नहीं है। यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो इसकी वैल्यू को मान बता, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो मैंने आप एक बार डीओई वाले के एरर बताया था, तो सेम होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है, उन्होंने एक बार यही वैल्यू चेंज कर दी थी। कई बार सवाल ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं 10th क्लास और बेसिक मैथ की बात कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ आ जाते हैं, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है, 4/3, और tan थीटा को हम sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, तो sin थीटा आपका के यहाँ पे 4 और cos थीटा यहाँ पे 3, 4 और 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे फटाक से, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही रखूंगा, यहाँ 3 इक्वल टू साइन थीटा कितना है 4, प्लस में 2 कॉस थीटा यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख लो, मैं यहाँ से ये वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, ये बता नहीं है, बटा 3 × 4 माइनस 2 × 3 आ जाएगा, तो 4 बटा खींच लेता हूँ, 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12 माइनस 3 × 2 = 6, 12 × 6 = 18, 18 × 6 = 6, 6 × 6 = 6, 3 × 12 = 6, 3 × 18 इक्वल टू 3, 3 कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो फटाक से हो गया, इसका आंसर 3 होना चाहिए। अच्छा जी 3/2, 2/3, 2, तो ऑप्शन इसमें काफी झकास तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, 2020 का काफी आंसर था, उम्मीद है 1 मिनट के अंदर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिया है त्रिभुज एबीसी बे कोण बी 90 डिग्री है, टेन ए इतना है, तो साइन सी का मान बताना है आपको, तो चलिए पहले वो करते हैं जो इसने कह रखा है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं झकास सा, और वैसे भी इसने समकोण त्रिभुज 90 बोल दिया, तो समकोण त्रिभुज फटाक से बना लेते हैं अब इस प्रकार से। कई बच्चे कहते हैं कि त्रिभुज इस उधर से बनाइए, कई बच्चे कहते हैं त्रिभुज इधर से बनाइए, ठीक है, मैं किधर से बना लो कोई दिक्कत नहीं है, जो 90 ये बी है यहाँ पे, और ठीक है एबीसी कहीं से ले सकते हैं, तो मैं यहां से एबीसी ऊपर से ले लो या नीचे से, कई बार देखो आप क्या ऊपर से यहां से लिखें या यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, तो ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ए बी सी, ठीक है, तो 90 डिग्री है, टेन ए बराबर, तो यहां पे
टेन ए बराबर वन रूट में थ्री, ठीक है। तो साइन सी बताना है, साइन सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखो, टेन रूट थ्री कितना होता है, वन बाई रूट थ्री कितना होता है, 30 डिग्री। या तो आप वैसे भी लगा लीजिए, या तो मैं चलो पी बटे क्यू से लगा देता हूँ। हाँ, पी बटे बी से, जो टेन बराबर होता है आपका पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है आपका वन रूट में तीन हो जाता है। चलो ऐसे लगाता हूँ, पी बराबर कितना एक और बी बराबर तीन। अब देखो टेन ए ले रखा है, ए ले रखा है ये, जब एंगल ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। एंगल ये है बच्चों, एंगल ये है तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, बेस। तो यहाँ ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा पी, और ये एच हमेशा हमेशा तो वही रहेगा एच वाला, ठीक है। तो पी कितना है यहाँ पे, एक। पी यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, एक बार नीले से एक बार काले से, क्योंकि टेन सी साइन सी बोला इसने, ठीक है। तो बी कितना है, रूट तीन, तो ये रूट तीन हो जाएगा। याद रखना बेस ये है, जहां एंगल बनता है वही बेस होता है आपका, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ठीक है, साइन सी पूछा अब इसने, साइन सी, साइन सी, और वैसे एच हमने निकाला नहीं है, साइन सी पूछ लिया। तो अब ये देखो, पहले एच निकाल लेता हूं मैं, साइन सी बताने से पहले एच, क्योंकि एच की वैल्यू से पूछ रहा है। तो एच बराबर कितना है, एच बराबर होता है आपका बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो बी कितना है आपका, रूट तीन का स्क्वायर, और पी कितना है, एक का स्क्वायर। रूट तीन का स्क्वायर तीन रहेगा, और एक का स्क्वायर एक, तीन एक हो जाएगा चार, निकल के आ जाएगा यह दो। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, दो। एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, दो। और साइन सी, साइन सी देखो, पहले साइन बराबर होता क्या है, पी बाई एच, ठीक है। साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। लेकिन जब साइन सी पूछा है, साइन सी अब की बार बेस ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। साइन सी अब की बार बेस ये बन जाएगा, ये बेस है अब की बार। देखो सवाल लगा लो, सबसे गाढ़ा करो, बेस ये बन गया आपका, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। जब मैंने एंगल ये लिया, एंगल इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। तो यहां पे अब आपका साइन सी, पी कितना है यहाँ पे, देखो ये लिया था साइन सी, तो बी जो पी जो है ये पी है, पी अब के बाद रूट तीन है, रूट तीन हो जाएगा, और एच दो का दो है, तो थ्री रूट थ्री, थ्री अपॉन रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। एकदम जमाल खराब हो जा रही बोलते बोलते, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में क्या है, टेन ए इक्वल टू टू बाई थ्री, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बताना है। कॉस थीटा मान लो, वीटा मान लो, बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो थीटा मोस्टली जब मैंने सीखा था, थीटा वीटा मान, लेकिन ए मान लो, ए बटे दो बटे तीन हो गया आपका। तो बताना है आपको हाँ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, साइन टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, और यह हो जाएगा दो बटे में तीन साइन ए बराबर, तो कॉस ए बराबर तीन, तो कॉस बराबर तीन, या तीन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तीन तीन नौ, दो दुना चार, ठीक है। कितना आ जाएगा, पांच चार नौ, यहाँ पे पांच आ जाएगा आंसर, ठीक है। पांच आंसर है कि नहीं, तो इससे नहीं है तो चलो अब लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड के लिए वही है, आपको तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फिर टेन ए बराबर दो रूट दो बटे तीन, तो अब लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, आप ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे ट्राइंगल, और टेन बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी होता है आपका, पी बाई बी होता है, आपने ये मान रखा है एंगल, तो पी आपका हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा आपका बी तीन, ठीक है। तो आपका एच निकालना है, तो एच कितना हो जाएगा, एच बराबर होता है आपका पी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, और आपका तीन का स्क्वायर, ठीक है। तो दो दूना चार हो जाएगा, तीन तीन नौ हो जाएगा, नौ चार तेरह आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, तेरह, रूट में आ जाएगा तेरह, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, जो कॉस स्क्वायर होता है आपका बी बाई एच होता है, कितना, बी बाई एच का होल स्क्वायर में कर देता हूं, माइनस साइन का होता है आपका पी बाई एच, पी बाई एच का होल स्क्वायर कर देता हूं। तो बी आपके पास कितना है, बी 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 अगर यही पे है, तीन, तीन बटे रूट तेरह का होल स्क्वायर माइनस दो साइन, ठीक है, पी बटे रूट में तेरह का होल स्क्वायर, तीन तिया नौ बटे में तेरह, ठीक है, माइनस, ठीक है, दो दूना चार बटे में तेरह। अब इसको घटाएंगे सिंपली, कितना आ जाएगा यहाँ पे, पांच, पांच बटे तेरह, पांच बटे तेरह, देखिए कहीं आंसर है क्या, पांच बटे तेरह, पांच बटे तेरह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
देख रहे हो कई बार शॉर्टकट काम नहीं आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन 2020 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, तो चलिए इसे फटाक से लगा लेते हैं। कॉस 0 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 45 इंटू कॉस 60, ठीक है। तो साइन होता तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसका ऑप्शन 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सात पे चलते हैं। कॉस 0 होता है आपका 1 मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 होता है आपका रूट 3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 होता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 का 1 ऊपर ऊपर वही आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, नीचे 2 दुना 4 हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा। देखो सेम आंसर मिल रहा है, अरे वाह अभी तो आंसर नहीं मिल रहा है, चलो तो रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 2 परिमेयकरण, रूट 2 नीचे भी रूट 2, ठीक है, जो नीचे होता है उसे मल्टीप्लाई, तो रूट में आ जाएगा 6 और ये 4 मल्टीप्लाई रूट रूट कर जाएगा 2 हो जाएगा, रूट 6 बटे में 8, रूट 6 बटे में 8 है, रूट 6 बटे में 8 ही आंसर सही है। तो आपको एक नंबर फटाक से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ भागते कूदते हुए चलते हैं। साइन 30 कॉस 45 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 30, तो जल्दी से लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो इनमें क्या 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 रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर ही लगाता हूँ यहाँ पे। साइन 30, तो जो आपका साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45, कॉस 45 1/√2 होता है आपका, प्लस का निशान बड़ा से निकाल देता हूँ कहीं मल्टीप्लाई ना लगे। ये कॉस साइन 45 भी होता है 1√2 होता है, कॉस 30 मतलब साइन 60 होता है रूट 3/2, सही है ना, इंटू रूट 3/2 होता है, बस इतना ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 हो जाएगा, 2√2 प्लस में रूट 3, सेम नीचे आएगा 2√2, ठीक है, जब नीचे एक जैसे हैं तो ऊपर सिंपली ऐड सकते हैं, 1 प्लस में 1 प्लस रूट 3, अच्छा 1 प्लस 1 भी आता है 2√2, 1 प्लस रूट 2 का सेम टू सेम है 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 2√2, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है 1 प्लस रूट 3, तो हाँ सी मिल तो रहा है प्यारे बच्चों, देखो ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। चलो कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन तो फटाक से करा ही देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तो 10 का मान बताएं, तो ठीक है ये प्यारे बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये HW ये कमेंट में करके बताइए, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और ये देख लो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आसानी बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर दस लगाते हैं। 10√60 प्लस साइन 45, 10√60 तो 10√60 कितना होता है रूट 3, 10√60 कितना रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस साइन 45 अभी 45 लगाया था 1√2 होता है 1√2, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं बताया 3 × 2 = 6 = 7, तो 7/2 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो 7/2 ऑप्शन पहला ये ऑप्शन, अच्छा रूट 2 में भी दिया गया फलाना इनका कर गया, अच्छा वाजी कई तरह से दिया गया है, तो इसका आंसर ये ए सही है 7/2। प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 सवाल हम लगा चुके हैं भाग एक में, भाग दो जल्दी लेके आएंगे, और जो ये क्वेश्चन है ना बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों प्यारे बच्चों आप दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये चैप्टर है, अब देख लो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो इस वीडियो से करते हैं तो आपको पेपर में काफी बेनिफिट मिलेगा, वो आप पेपर देंगे तभी पता चलेगा आपको। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हो।